पाटलिपुत्र में एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने तथा न देने पर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में काशीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। आपको बता दें कि काशीपुर के अलीखा निवासी सना उर रहमान ने काशीपुर कोतवाली में अपने मोहल्ले के ही रहने वाले मोहम्मद जुनैद उर्फ कुंजा के खिलाफ रंगदारी मांगने तथा रंगदारी नहीं देने पर उसे और उसके बेटे और दामाद को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए बीते रोज तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी जुनैद उर्फ कुंजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जुनैद के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है जो उसने रंगदारी मांगते समय प्रयोग किया था। बता दें कि पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर के माध्यम से बताया कि जब वे किसी कार्य से अपने घर आए, अपने मित्र को घर के बाहर छोड़ने आए तो घर के बाहर मोहल्ले के ही रहने वाले मोहम्मद जुनैद ने उनसे 50,000 रुपए देने की मांग की। पैसे न देने पर जुनैद ने उन्हें गोली मारने के साथ ही उनके बेटे तथा दामाद को भी गोली मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जुनैद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया है। 2020 को अलीखा के निवासी श्री सना उर रहमान द्वारा एक प्रशिक्षण दी गई थी, इनको जुनैद कुंजा जो अलीखा का निवासी है 50,000 रुपये की मांग की गई और इन्हें जान से मारने की, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज जुनैद कुंजा को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है और अभी को माननीय न्यायालय में पहुंच गया। सर, क्या जुनैद के खिलाफ पहले पूर्व में मुकदमा दर्ज है? हाँ जी, मतलब हत्या और तीनों साथ के मुकदमे दर्ज हैं।